Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डॉक्टर कबीर अब कैसा है, क्या कंडीशन है उसकी? इस हादसे में उनकी बैकबोन पे शदीद जर्द आई है, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई हैं और वो अब शायद चल नहीं सकते। कबीर मेरे शौहर हैं, शट अप! आज के बाद हिंदाव से अपनी गंदी जबान से ना निकाल। तुम में गैरत है ना, तो जाओ जाओ ढूंढो मेरू को और रखो अपने पास। तुम क्यों परेशान हो रहे हो दुल्हन? उसकी किस्मत में यही लिखा था। किस्मत? कौन सी किस्मत की बात कर रहे हैं आप? जो आपने लिखी या अब्बा मियां ने या फिर कबीर ने लिखी? खुदा को भी आप लोगों ने उसकी किस्मत लिखने को दी। जो इंसान महरू से इतना प्यार करता था, जो इंसान महरू के नाम के कलमे पढ़ता था, जिसने मुझसे नफरत की सिर्फ महरू के लिए, आज वो इतना बदल गया कि वो महरू का नाम भी नहीं सुनना चाहता। इतना गुस्सा, इतना तकब्बुर अब्बा मियां में सिर्फ आज भी इसलिए है कि उनको सिर्फ अपनी जात से लेना देना। हमारे अब्बा मियाँ की यह गलती ने हमें क़यामत तक के लिए गुनाहगार कर दिया। बेटा हैरत होती है मुझे, एक महरू की हमारी जिंदगी में इतनी हैसियत थी, इतनी अहमियत थी उसकी। एक मजलूम की क्या हैसियत होती है खुदा की नजर में, ये भी जान जाएंगे अब्बा मियाँ। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अरे अल्लाह ना करे कहीं कहीं उसे उसको दरखास्ता हुआ ना करनी हो किसी ने। अगवाई तो हो गई, पर आप ये शुक्र करें कि जिसने अगवा किया है वो बहुत बड़े जर्फ का मालिक है। तुम जानते हो अब्दुल्ला वो कहाँ है, किसके घर है मेरू? तुम्हें पता है? असद भाई के फ्लैट पर है। लेकिन वहां तो मुबीना भी होगी। तुमने ये सब कुछ अपने अब्बा मियाँ के सामने क्यों नहीं बताया अब्दुल्ला? अब्बा मियाँ की गैरत ये बर्दाश्त करती कि महरू असद के फ्लैट पर रह रही है उसके साथ? उनको सिर्फ अपनी करनी है, अपनी मर्जी करनी, अपना हुक्म चलाना है। उनको अपने तकब्बुर से आगे और कुछ नहीं है। तुम्हारे अब्बा मियाँ टूट के रह गए बेटा। अरे वो महरू जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते थे, उसका इस तरह से बदल जाना क्या तोड़ के रख देने के बराबर नहीं है? अम्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब्बा मियाँ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा और तुम्हारा। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ। कोई 10-20 रुपए का दौर नहीं रहा हकीम साहब, 1000 का नोट चलता है, 1000 का। मैं किसी के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम बैठकर खाओ अपने सपूत की कमाई। अब्बा मियाँ, क्यों आई हो यहाँ?
تم نے تو خود کہا تھا کہ اب ہمارا تمہاری زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے. پھر کیا لینے آئی ہو یہاں؟ کس لیے آئی ہو؟ امی ایسا تو نہ کہے. اب امی میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں, مجھے معاف کر دے. تمہیں معافی کی ضرورت نہیں, چھت کی ضرورت یہاں لے کر آئی ہے نا. مگر میں نہیں کرتا تمہیں معاف, کبھی معاف نہیں کروں گا, اور نہیں اپنی پاک چھت کے نیچے تمہیں رہنے دوں گا. ہم یہ ایسا تو نہ کہے, آپ کے سوا میرا ہے ہی کون, میں کہاں جاؤں گی؟ جہنم میں جاؤ. تم جیسی اولاد کے نہ ہونے کا دکھ نہیں ہوتا؟ جاؤ یہاں سے, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. جاؤ. اب ہمیں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے اپنی مرضی سے میری شادی کرائی تھی, اور آج جب میں بے سہارا ہو گئی ہوں تو آپ مجھے سہارا کیوں نہیں دے رہے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں, آپ کی مہرو. میری کوئی مہرو بیٹی نہیں ہے. اور تم تو مسز کبیر ہو, پھر مجھ جیسے حقیر غریب سے کیا لینے آئے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے, اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے والا ہی سلوک کروں. چلی جاؤ یہاں سے, اسے پھینک آؤ وہیں جہاں سے اٹھا کر لائے ہو. اور اس لحاظ سے تم میں سے کسی کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نکل جاؤ, چلو نکل جاؤ, چلو نکلو یہاں سے. یہ بھی ہونا تھا زندگی میں. اب اس بڑھاپے میں خود ہی کام کرو اور خود ہی کھاؤ پیو. بھوک لگے تو پہلے پکاؤ اور پھر بیٹھ کے کھاؤ اکیلے. کیا زندگی ہے. اچھا امی, میں آفس کے کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ میں رات کو آ جاؤں. اگر نہیں آ سکا نا تو میں ایک دو دن میں آ جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, پھر مجھے بھی ذرا امتیاز کے گھر چھوڑتا ہوا جا. ارے کیوں, آپ یہاں پہ رہیں؟ ارے مجھے کیا اس بیمار کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ امی میں آپ کو اس کے آسرے پہ نہیں, اس کو آپ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کی طبیعت بہت خراب ہے, پلیز آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور ہاں, اس کو دوائی ٹائم پہ دیجیے گا, اس کو ابھی بھی بہت بخار ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے, گڈ. اچھا چلیں, میں جا رہا ہوں. اللہ کے حفظ و امان. واپس. ماں کو تو ایسے حکم دے رہا ہے جیسے کسی نوکرانی کو بتا کے گیا ہو. امی اسے دوائیں دے دینا, ناشتہ بھی کھلا دینا, کھانا بھی پکا کے کھلا دوں. ارے میں کیا کیا کروں. امی
रही हो? अरे ये क्या नहुसत फैला रखी है तूने मेरे घर में? तेरे बाप ने क्या कमरा बुक करवा कर दिया हुआ है जो तू यहाँ सारा दिन एंटी रहती है? क्या हुआ खाला? क्या हुआ खाला? अरे मैं नौकरों की तरह से काम कर रही हूँ सारा दिन, और तू महारानियों की तरह से आराम करती चली जा रही है। यहाँ रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। पहले भी तेरी बहन ने जो है ना बड़े ही पर फैलाए थे, बड़ा राज करना चाह रही थी वो मेरे ऊपर, और मैंने भी साफ साफ कह दिया था ये घर मेरा और मेरे बेटे का है बस। और अब तू आ गई इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी बीबी। अगर तेरे शौहर ने भी तुझे सीधा रखा होता ना तो मजूर ना हुआ होता वो भी। बड़ी आई यहाँ पर राज करने वाली? अरे उठ यहाँ से, चल काम कर। खाला मेरी तबीयत बहुत खराब है, कुछ उठा भी नहीं जा रहा। तेरी तबीयत तो मैं दो मिनट में ठीक कर दूंगी। अब तू उठ रही है या मैं उठूं? चल उठ, उठ यहाँ से। यहाँ रहना ना तो खुद को नौकर समझ, खड़ी हो यहाँ से। खाला, अरे खाला गई तेरी, चल निकल यहाँ से, बाहर निकल और काम कर चल के। इस घर का सारा काम अब तू ही करेगी। ये जो किचन में बर्तन पड़े ना ये सब तू साफ करेगी। मिस्त्री कहेंगे तेरे ड्रामेबाजी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये काम कर तू सारा का सारा, साफ कर सारा किचन आज से तू साफ करेगी, और खाना भी आज से तू ही बनाएगी। अरे हम ही रखें, हम ही खिलाएं, और तेरा वजन भी हम ही बढ़वाएं। भाई बहुत ही ढीठ है तू, बहुत ही बेशरम है। इंसान को इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि जिस घर में इंसान रह रहा है वह काम के बहाने ना ढूंढे, खुद से काम करे। इसे मेरू तूने तो बड़ा नौकरों पे हुकुम चलाया ना, आज तू काम भी खुद ही करेगी। अब बन नौकर, तेरी हैसियत इस घर में यही है, तलाक याफ्ता कहीं की। देख मैं जा रही हूँ, अभी आई। ये पूरा किचन है मुझे साफ और चमचमाता हुआ नजर आना चाहिए। अभी आ रही हूँ मैं। भीत कहीं की जिंदगी अजाब करके रखी हुई है, ड्रामे ही नहीं खत्म होते इसके। कहाँ लेके जा रही है? ये देखिए, ये सब कुछ मेरा है, ये सोना, ये जेवर, ये चेकबुक, 1 करोड़ रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में। साइन कर दिया है मैंने सब ले ले, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे यहां से ना निकाले। कुछ तो ख्याल करे मुझे ये छत ना छीने प्लीज। मैं सड़कों पे नहीं रुल सकती, मेरी हालत को समझेगा ना। अरे तू क्या इन सब चीजों का मुझे लालच दे रही है ताकि मैं तुझे अपना बेटा दे दूं? अरे तुझ जैसी चालाक चलतर लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अरे इन 4 चीजों के एवज मैं तुझे अपने हीरे जैसा बेटा दे दूंगी? कभी भी नहीं। वैसे एक बात तो बता, तू सड़क पर ही मिली थी ना उसे, या ये भी तेरे ड्रामे का कोई हिस्सा है? सबसे खाला मेरी ये नियत नहीं थी, मैं तो बस यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों क्यों, किस लिए और किस हैसियत से रहना चाहती है यहाँ पर? क्या रिश्ता है तेरा मुझसे? जब भी मैंने असद के लिए तेरा रिश्ता मांगा तूने 100 ऐब निकाल दिए उसके अंदर, और एक पैसे वाले बुड्ढे के साथ ब्याह कर ये गई वो गई, और अब जब मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है तो तू वापस उससे रिश्ता जोड़ना चाह रही है? ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझी, तेरा बाप तुझे रख क्यों नहीं रहा अपने घर में? अरे वो भी इस प्लान में पूरा पूरा शामिल है, पक्का है वो भी। उसने भी इसमें कोई फायदा देखा होगा, इसीलिए तुझे भेज दिया यहाँ पर मरने के लिए मेरे पास। लेकिन मेरा नाम भी मुबीना ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ तो मैं होने ही नहीं दूंगी। चल जरा तुझे छोड़कर आऊं। देखाला छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ने तो जा रही हूँ तुझे तेरे घर, चल निकल यहाँ से, चल छोड़ कर आती थी। चल मैं क्या कर रही हूँ? मेरू नहीं बेटा, वो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो ये ना जाना चाह रही थी तो मैं तो इसे रोक रही थी। आज आपने करके ना ये साबित कर दिया कि फरीसा भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। मैंने आपसे कहा था इसका ख्याल रखना, और आप
कसम खाई थी आपने मेरी, इतनी सी भी परवाह आपको मेरी? अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में है ना तुम वो करो। हाँ माँ ही बुरी है तुम्हारे लिए, ये ज्यादा अच्छी है मनुस। अरे तुम ठीक हो? मेरू प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। असल तुम मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। खाला मुझे मार डालेंगी किसी दिन। मेरू मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। प्लीज रिलैक्स प्लीज। तुम्हारा बहुत बहुत खर्चा हो रहा है ना मुझ पे, शायद यही बात खाला को बुरी लग रही है। मेरे पास बहुत पैसे हैं सर, ले लो तुम भी ले लो, बस मुझे यहां से ना निकालो। नहीं वो ऐसी है, तुम तो जानती हो ना उनकी आदत है, इसलिए वो गुस्सा होती रहती है। तुम प्लीज मुझसे डरो मत, अगर तुम इसी तरह रही तो ठीक कैसे होगी? असल में तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला। लेकिन मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। और अब यहां अम्मी नहीं आएंगी, ओके? मैं आता हूं। मैं तो जा नहीं सकती उससे मिलने के लिए, तुम्हारे अब्बा भी मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन लेकिन तुम दोनों तो बहने हो ना उसकी। अरे तुम दोनों तो चले जाओ, भूल गई तुम दोनों, बुरे वक्तों में काम आई है वो तुम्हारे। काश बुरे वक्त में काम आती और आना करती हमारे साथ। अरे मासूमा भूल जाओ, जो कुछ उसने किया भूल जाओ बेटा, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, वो तुम्हारी मेहरबानी है ना। क्या तुम अपनी मेहरबानी की मदद नहीं करोगी? जरूर करती, जरूर करती उसकी मदद, अगर अगर वो मेरी मेहरबानी होती तो। मैं मिसेस कबीर की क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, जिसने कुछ नोट मेरे हाथ में थमा दिए और मुझे घर से चले जाने को कहा। नहीं है वो मेरी बहन, नहीं है। क्यों उसके लिए फिक्रमंद हो रही हैं? क्या क्या नहीं कहा उसने आपको? और आपने खुद ही तो मुंह मोड़ा था उससे, चले जाने के लिए कहा था उसे, और उसके लिए आज रो रही हैं आप? क्या करूं मैं, मैं उसकी माँ हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ तो इसमें रोने वाली क्या बात है? रखा हुआ है ना सद ने उसको अपने पास। तो तुम नहीं जानती? अरे तुम्हारी सास तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम सब की कसर निकाल रही होगी। तुम दोनों तो उसकी बहनें हो, खुदा के लिए उसकी दिलजोई के लिए चले जाओ एक बार मिलने। बोलना चाहोगी ना फरीसा? हमें दूर रखे अम्मा इस सबसे, गुजारने दे हमें अपनी जिंदगी, आप ही अपना सोचे। मेरू आप ही ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रही है, माजूर कर दिया अपने शोहर को। शुक्र करे वो मरा नहीं, वरना जेल में होती इस वक्त। Thank you.
मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। चले जाओ देखने उसे। मरीजा तू तो जाएगी ना? मेरी बात सुन मरीजा। अरे मेरे बहन है वो। बस भेड़ियां डाल दी मेरे पाँव में। तुम दोनों चले जाओ खुदा के लिए। मेरी मेरू को देख कर आ जाओ। अरे ओ मेरू, अरे ये सारा काम हुआ कि नहीं? ये घर तो अभी तक गंदा पड़ा हुआ है। क्यों पहने आपने मेरे कंगन? बताए। अरे बोलना चाहोगी ना परिसा? हमें दूर रखे अम्मा इस सबसे, गुजारने दे हमें अपनी जिंदगी। आप ही अपना सोचे। मेरू आप ही ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रही है। माजूर कर दिया अपने शोहर को। शुक्र करे वो मरा नहीं, वरना जेल में होती इस वक्त। ठंडक नहीं पड़ेगी। चले जाओ देखने उसे। मरीजा तू तो जाएगी ना? मेरी बात सुन मरीजा। अरे मेरी बहन है वो। बस भेड़ियां डाल दी मेरे पाँव में। तुम दोनों चले जाओ खुदा के लिए। मेरी मेरू को देख कर आ जाओ।